स्टेफनी से हम पूछेंगे कि क्या ये बात वाकई सही है कि जर्मन्स जो हैं वो ऑनेस्ट होते हैं। तो या कभी 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 देयर आर ऑनेस्ट पीपल इन पाकिस्तान, देयर आर ऑनेस्ट पीपल इन जर्मनी, या सेम लाइक देयर आर पीपल हु आर नॉन ऑनेस्ट इन पाकिस्तान इन जर्मनी। यस, सो इट डज मैटर। दो एंटायरली डिफरेंट सिचुएशंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। यार ये पीछे गाड़ी को कौन स्टार्ट कर रहा है? बाइक है, गाड़ी नहीं। बस कर दे यार, अब आई थिंक खामोशी हो चुकी है, अब स्टार्ट करते हैं। दो एंटायरली डिफरेंट सिचुएशंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली सिचुएशन वो ये है कि अभी कुछ दिन पहले मुझे एक क्वेश्चन आया। उन्होंने कहा कि यार उनको डीमोटिवेट किया जाता है और उनको ये कहा जाता है कि यार जर्मनी मत जाओ, वहाँ पे लाइफ बड़ी टफ है, पैसे ज़ाया कर दोगे। और वो बहुत एम्बिशियस हैं जर्मनी जाके पढ़ने के लिए, तो वो बहुत डीमोटिवेट हुए इस बात से। तो मैंने उस कमेंट के ऊपर, उस रिक्वेस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाई, और उस वीडियो बनाने के बाद मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे एक पोल कंडक्ट किया, जिसके ऊपर मैंने ये पूछा आप लोगों से कि इसके अलावा आप लोगों में से कोई और भी है जिन्होंने ऐसी ही सिचुएशन फेस की हो, जिनको अपने फैमिली फ्रेंड्स या इस तरह से सोशल सर्कल से डीमोटिवेट फील करवाया गया हो अब्रॉड स्टडीज़ के ऊपर, या स्पेसिफिकली जर्मनी की अगर हम बात करें, जर्मनी स्टडीज़ के ऊपर। तो फिर मुझे काफ़ी सारे लोगों के जो हैं वो इस पे कमेंट्स आए, और कई लोग इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं। तो उसमें एक और इंटरेस्टिंग कमेंट ये आया, उन्होंने कहा कि यार मुझे मेरी फैमिली ने ये कहा है कि जर्मनी एक बहुत ही रेसिस्ट कंट्री है और वहाँ पे लैंग्वेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए तुम जर्मनी मत जाओ। ये तो हो गई एक सिचुएशन। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ दूसरी सिचुएशन, जो मैंने बताया कि इसके ऑपोजिट है। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप लोगों को पता है कि मैं जर्मनी से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ ज़्यादा, तो मेरी यूट्यूब की फीड के अंदर अक्सर मुझे जर्मनी के हवाले से वीडियोस ज़्यादातर रिकमेंड होती रहती हैं। तो अभी कुछ 4-5 दिन पहले मुझे एक वीडियो रिकमेंड हुई मेरी फीड में, और उस वीडियो का टाइटल था जर्मन ऑनेस्टी। तो मैंने वो वीडियो देखी, और वो वीडियो एक कराची के यूट्यूबर हैं जो प्रॉबेबली पाकिस्तान से जर्मनी छुट्टियाँ मनाने शायद आए हुए थे, वो जर्मनी में रहते नहीं हैं। तो उन्होंने उस वीडियो में बताया हुआ था कि जर्मन्स जो हैं वो बहुत ऑनेस्ट होते हैं, क्योंकि वो एक जर्मनी के U-Bahn स्टेशन में थे। U-Bahn जो है वो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन को कहते हैं। और उन्होंने कहा कि यार वो पेरिस और लंदन के मेट्रो स्टेशन में भी गए हैं, और जर्मनी का जो U-Bahn स्टेशन है, अंडरग्राउंड स्टेशन है, वो बड़ा मुनफरद है पेरिस और लंदन के मेट्रो स्टेशन से। और वो इसलिए क्योंकि पेरिस और लंदन में अगर आप जाएँ अंडरग्राउंड, तो आप लोग बग़ैर बैरियर के, बग़ैर गेट के स्टेशन में एंटर नहीं कर सकते, यानी प्लेटफॉर्म तक आपकी एक्सेस नहीं हो सकती जब तक आपके पास टिकट ना हो, क्योंकि आपको शुरू में टिकट लेके एंट्री पे स्वाइप करना होता है, फिर वो गेट खुलता है, फिर आप नीचे जाते हैं। और ये बात सही है, क्योंकि मैंने पेरिस और लंदन दोनों की मेट्रो स्टेशन में ट्रैवल किया है। लेकिन उन्होंने कहा कि जर्मनी में ऐसा नहीं होता। जर्मनी में जो है वो आप बग़ैर टिकट के सीधा नीचे आ जाते हैं, और प्लेटफॉर्म तक आपकी एक्सेस होती है, आप टिकट ले लें, वैलिडेट करें और ट्रेन में बैठ जाएं। और ये उन्होंने डिडक्ट किया इस सारे प्रोसेस से कि जर्मनी में इस तरह से इसलिए होता है क्योंकि जर्मन लोग इतने ज़्यादा ऑनेस्ट हैं कि गवर्नमेंट उनके ऊपर ट्रस्ट करती है कि यार हमें पता है कि आप टिकट ख़रीद ही लेंगे। तो इसलिए वहाँ पे जर्मन गवर्नमेंट ने गेट्स नहीं लगाए हुए, या वहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं बिठाया हुआ, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसका अवाम के ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म का ट्रस्ट है, उनको पता है कि लोग बहुत ऑनेस्ट हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी बताया कि यार बीच में इक्का दुक्का, सारे लोग तो अच्छे नहीं होते, इक्का दुक्का ऐसे जो है ड्रंक वगैरह भी घुस जाते हैं बगैर टिकट के, लेकिन उनका कि मोस्टली लोग बहुत ऑनेस्ट हैं, और हमारे मुल्कों को भी उनसे सबक सीखना चाहिए, और ये जिस तरह ऑनेस्ट हैं, अगर हम भी उस तरह ऑनेस्ट हो जाएं तो हम भी इनके जैसे बन जाएं, और यहाँ पे तो अमेजिंग सिस्टम। ये जो दो सिचुएशंस अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, एक तो ये कि यहाँ पे सब लोग रेसिस्ट होते हैं, यहाँ पे लाइफ बड़ी टफ है और यहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती, और दूसरी सिचुएशन ये कि जर्मन्स सब बहुत ऑनेस्ट होते हैं, गवर्नमेंट उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करती है, और इसीलिए उन्होंने मेट्रो स्टेशन के बाहर गेट नहीं लगाए हुए, क्योंकि गवर्नमेंट को ये पता है कि ये लोग इतने ऑनेस्ट हैं कि ये लोग टिकट ख़रीद के ही मेट्रो स्टेशन के अंदर ट्रेन में सफ़र करेंगे। ये जो दोनों सिचुएशंस हैं, इनके अंदर एक चीज़ कॉमन है, और वो ये कि ये दोनों ही फैक्चुअली गलत स्टेटमेंट्स हैं। ये क्यों गलत स्टेटमेंट्स हैं, एक एक करके इन दोनों को देखते हैं, और फिर हमें पता लगेगा कि क्यों ये फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। पहले बात कर लेते हैं कि बर्लिन के जो मेट्रो स्टेशन हैं उन पे गेट्स क्यों नहीं लगे हुए। तो देखें, उसकी जो मेन रीज़न है, वन ऑफ द मेन रीज़न, वो है कॉस्ट और बजट। बर्लिन की सेनेट में पॉलिटिशियंस दो ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। एक ग्रुप जो है वो इस चीज़ के फेवर में है
कि गेट्स लगने चाहिए बर्लिन के मेट्रो स्टेशन में, और एक ग्रुप पॉलिटिशियंस का कहता है कि गेट्स नहीं लगने चाहिए। जो लोग फेवर में नहीं हैं वो ये कहते हैं कि ये एक बहुत कॉस्टली प्रोजेक्ट है, और उन्होंने बर्लिन की जो स्टेट है उन्होंने इसकी एस्टिमेशन भी तैयार की थी, और उनके मुताबिक ये 60 मिलियन यूरोस का प्रोजेक्ट है। और सिर्फ गेट्स, ऑटोमेटिक गेट्स इंस्टॉल करना, अभी इसमें वो कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है जो आपको पता है कि जैसे पेरिस और लंदन की मेट्रोज हैं कि जब आप गेट लगाते हैं तो आपको वहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल्स जो हैं वो भी अपॉइंट करना पड़ते हैं। इसका मतलब है आपको नए लोग हायर करने पड़ेंगे और उनकी सैलरीज भी अरेंज करनी पड़ेंगी, तो प्रोजेक्ट और ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। और बर्लिन, जिन लोगों को नहीं पता जो जर्मनी से बाहर से हैं, कि बर्लिन जर्मनी की कोई बहुत अमीर स्टेट नहीं है। अगर आप 16 स्टेट्स जो जर्मनी की हैं उनमें भी बर्लिन की रैंकिंग देखें ना, तो वो कोई 7वें-8वें नंबर पे है गुर्बत के हिसाब से। तो पैसों की इसमें बहुत बड़ा इशू है, जिसको वो एक्सक्यूज़ बना के कहते हैं कि गेट्स नहीं लगने चाहिए। जो दूसरा ग्रुप है जो कहते हैं कि यार लगने चाहिए गेट, वो ये कहते हैं कि बर्लिन के कई ऐसे मेट्रो स्टेशन हैं, उनके नेबरहुड्स हैं, वहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग और दूसरे जो क्राइम्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स आती हैं, और वो काफ़ी प्रेवलेंट है वहाँ पे, और उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी वो लेते रहते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। उनका पॉइंट ये है जो फेवर में है कि देखो, उससे वो सारे जो क्राइम्स हैं वो बच सकते हैं, और वो लोगों को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, जैसे ड्रंक वगैरह या कोई और लोग ऊबर में जाके घुस जाते हैं, और स्पेशली लेट नाइट अगर आपने ट्रैवल करना हो तो कई दफ़ा जो है वो फीमेल्स के लिए भी वो डेंजरस बन जाता है। और ये जो क्राइम्स हैं ये यूरोप के हर बड़े शहर में, या दुनिया के इनफैक्ट हर बड़े शहर में इस तरह के क्राइम्स जो हैं वो होते हैं, लेकिन आप इनको फिर भी कंपेयर नहीं कर सकते एक डेवलपिंग कंट्री के क्राइम से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डेवलप्ड वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते। जहाँ तक ऑनेस्टी का ताल्लुक है, हर साल 600,000 लोग जो हैं बर्लिन के मेट्रो में वो पकड़े जाते हैं बग़ैर टिकट के ट्रैवल करते हुए, जिनको फेयर डॉजर्स कहते हैं। और ये भी बात एक सही है कि ये जो नंबर है, जो ओवरऑल पैसेंजर्स हैं एक साल में जो ट्रैवल करते हैं, ये उसके हिसाब से कोई इतना ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, छोटा ही नंबर है, लेकिन फिर भी 600,000 काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। और ये वो लोग हैं जो पकड़े जाते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो पकड़े भी नहीं जाते जो मेट्रो स्टेशन में ट्रैवल करते रहते हैं। और मुझे अपना भी एक इंसिडेंट याद आ गया कि मेरी एक कॉलीग होती थी, मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, तो वो अक्सर यही कहती थी मुझे कि वो बाइसिकल पे आती थी ऑफिस, तो वो कहती थी कि जब कभी मौसम बहुत ख़राब होता है, बारिश होती है या इस तरह का कुछ होता है, तो वो मेट्रो पे आना प्रेफर करती है, और उसके लिए कोई 3-4 स्टॉप्स बनते हैं, तो वो कहती है कि वो टिकट नहीं लेती, तो वो रिस्क लेती है। और दूसरा ये कि ये इन जनरल लोग इसलिए भी टिकट खरीदते हैं कि बड़ा ही इलॉजिकल और बेवकूफ़ाना सा डिसीजन है कि अगर आप मेट्रो में जा रहे हैं और आप टिकट ना ख़रीदें। उसकी रीज़न ये है कि जो एक नॉर्मल टिकट होता है, अगर आप एक डायरेक्शन में ट्रैवल करें तो वो 3 यूरो का होता है, और अगर आपने टिकट ना लिया और आप पकड़े जाएं तो जो आपके ऊपर फ़ाइन लगता है वो 60 यूरो का होता है, और जो मंथली पास होता है वो 86 का होता है। तो ये एक बेवकूफ़ी है कि आप ट्रैवल अगर आप कर रहे हैं, अगर हफ्ते में एक या दो दफ़ा भी आप जा रहे हैं और आप किसी भी दफ़ा उसमें पकड़े जाएं तो आप 60 यूरो का फ़ाइन देंगे। उससे बेहतर है कि आप टिकट लें और आप एक इज़्ज़तदार तरीके से और रिलैक्स होकर जो है वो सफ़र करें, बजाय इसके कि आप डरते रहें हर वक्त कि अभी कोई टिकट चेकर आ जाएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इतने ज़्यादा लोग जाने लग गए थे बगैर टिकट्स के कि शुरू में जो टिकट चेकर्स थे वो रैंडमली आते हैं ट्रेन के अंदर, तो वो यूनिफॉर्म में आते थे आज से कोई 4-5 साल पहले। तो जब वो यूनिफॉर्म में आते थे तो लोग उनको देख लेते थे, और वो जिस दरवाजे से एंटर होते थे वो पिछले दरवाजे से निकल जाते थे उस स्टेशन पर। तो फिर अब उन्होंने क्या करना शुरू किया अभी पिछले 3-4 सालों से, कि वो जो टिकट चेकर्स हैं वो यूनिफॉर्म में नहीं आते, वो सिविलियन कपड़ों में आते हैं। और अक्सर ऐसा होता है, एक बड़ी फ़नी सी सिचुएशन क्रिएट होती है कि वो आते हैं अंदर और उन्होंने जो उनके पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, जैसे क्योंकि उन्होंने डिवाइस पे जिन लोगों के पास कार्ड होता है या टिकट होता है वो उस पर उसका बार कोड के थ्रू चेक करते हैं कि वो वैलिड है या नहीं, तो उन्होंने वो डिवाइस भी अपनी जो है ना वो अपनी जैकेट में या कहीं पीछे हाथ छुपाए होते हैं, और वो एकदम से जैसे कॉबॉयज़ जो है वो गन ही निकाल लेते कॉम्पिटिशन के लिए, तो वो जब ट्रेन चल पड़ती है दरवाजे बंद हो जाते हैं उसके ऑटोमेटिक, तब वो अपने वेपन्स निकालते हैं जो मशीन है, ताकि कोई भाग ना सके उस वक्त। और मैंने अक्सर ये नोट किया कि जब मैं कभी मेट्रो में होता हूँ तो मोस्टली ऐसा होता है कि एक कंपार्टमेंट के अंदर एक आध बंदा जो है वो ऐसा निकल ही आता है जिसका टिकट का कोई ना कोई या तो इशू होता है या बगैर टिकट के ट्रैवल कर रहा होता है। तो लोग टिकट बेसिकली इसलिए लेते हैं क्योंकि जो रूल ऑफ लॉ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि सबको पता है कि यार अगर मैंने टिकट ना लिया और मैं पकड़ा गया तो 60 यूरो का फ़ाइन है। और आप ये नहीं कह सकते टिकट चेकर को कि यार कोई बात नहीं, मेरे से यू नो 5 यूरो ले लो, 10 यूरो लेके मुझे छोड़ दो, 60 का फ़ाइन ना करो। फ़ाइन वो हो के रहेगा। एक और चीज़ कि देखिए, अगर इतने ही सब ऑनेस्ट होते और यही इनकी तरक्की का राज होता तो जर्मनी में आपको पता है कि हर साल जर्मन गवर्नमेंट को 50 बिलियन यूरोज़ का लॉस होता है टैक्स इवेजन की फॉर्म में।
और बिलियन मिलियन नहीं कह रहा, 50 बिलियन यूरोस का, यानी ये वो लोग हैं जो 50 बिलियन यूरो का टैक्स इवेड करते हैं। ये हो सकता है कि जो लोग पहली दफ़ा आते हैं बाहर के मुल्क या जो इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आते, जहाँ रहे नहीं हैं, उनको ये लगता है कि यार ये कोई दूसरी स्पीशीज़ हैं और ये तो ऑनेस्ट होते हैं, लेकिन बाकी मुल्कों के लोग जो हैं वो ऑनेस्ट नहीं हो सकते, तो इनको अगर हम फॉलो करें इस तरीके से तो हम भी जो है वो इनकी तरह तरक्की कर लेंगे। लेकिन बेसिक उसमें चीज़ ये है कि अगर रूल ऑफ लॉ जो है उसको स्ट्रॉन्ग बना दिया जाए और ये मेक श्योर कर दिया जाए कि लॉ जो है वो हर इंसान पे इक्वली अप्लाई होगा और फेयर तरीके से अप्लाई होगा, तो इजीली कोई भी मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है। दूसरी सिचुएशन पे आ जाते हैं जो मैंने शुरू में डिस्क्राइब की थी कि किसी ने उनको ये कहा कि जर्मनी में सारे रेसिस्ट होते हैं, जॉब नहीं मिलती और लाइफ टफ होती है। देखें ये जो बात है ना कि रेसिस्ट होते हैं, अगर आप दुनिया के सारे डेवलप्ड मुल्क उठा लेना, वो स्पेशली मुल्क जहाँ पे लोग जाके सेटल होना चाहते हैं, जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इन मुल्कों में आप लोगों को सोसाइटी का एक छोटा सा फैक्शन मिल जाएगा जो कि एंटायर इमिग्रेंट है, जो कि एंटायर नॉन वाइट लोग हैं, जो कि एंटायर स्पेसिफिक रिलीजन्स हैं। इस तरह की कम्यूनिटीज़ या ग्रुप्स आपको, पोलिटिकल पार्टीज़ आपको हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि इस तरह की जो सोच रखने वाले लोग हैं वो मेजॉरिटी में, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में, और वही मुल्कों को रूल कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है जर्मनी में स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे इस वक्त 13 या 14 मिलियन इमिग्रेंट्स जो हैं वो रह रहे हैं, और हर दफ़ा ये बात तो मशहूर है जर्मनी के बारे में कि स्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो जर्मनी की उसको शॉर्टेज है इसके ऊपर, तो इतनी आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी, मेरे चैनल के अलावा भी आपको कई सारी वीडियोस और आर्टिकल्स मिल जाएंगे। इसमें मुझे पता है कि आप लोगों के कंफ्यूज होने का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि आप लोगों को बहुत डाइवर्स किस्म की अब इन्फॉर्मेशन मिल रही है। कोई कह रहा है कि सारे यहाँ ऑनेस्ट होते हैं, कोई कह रहा है सारे रेसिस्ट होते हैं, तो मैं जैसे कि आपको शुरू से हमेशा बताता आया हूँ कि आप लोगों ने अपना इंटरेस्ट ढूंढना है, इंटरेस्ट ढूंढना है, और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपके लिए कोई एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट जो है वो जर्मनी या अब्रॉड जाना वो उसका आंसर हो। आप लोगों ने अपना कस्टमाइज्ड आंसर खुद ढूंढना है कि जर्मनी आप लोगों के लिए अच्छा होगा या नहीं। वो ऐसे ही होगा कि आपने जो भी कोई इस तरह की वीडियो देखनी है, आपने सबसे पहले फैक्ट चेकिंग करनी है, आपने ये देखनी है कि वो वीडियो बना कौन रहा है, उस बंदे का वहाँ पे एक्सपीरियंस कितना, अगर कोई ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बना रहा है, कोई जर्मनी के ऊपर बना रहा है, तो आप देखें कि वहाँ पे उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसका वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है, उसने वहाँ पे पढ़ाई की है या नहीं, वो कितने अर्से वहाँ पे रहा है, वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज बोलता है, वो वहाँ का कल्चर समझता है, वो ऑनेस्टली और जेन्युइनली वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है या नहीं, या वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक फ़्लो चल रहा है इन्फॉर्मेशन का कि यार चलो शेयर कर देते हैं, सब कर रहे हैं तो मैं भी कर देता हूँ, जो मर्ज़ी वो कर दे, या इनएक्सपीरियंसड हो और वो अनफैक्चुअल सिचुएशन शेयर कर रहा हो। इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है हर जगह से, उसको अपने इंटरेस्ट के साथ अलाइन करना है, और उसके बाद आपने प्रोज और कॉन्स को वे करना है। फिर आपको अगर लगे कि प्रोज ज़्यादा हैं तो वो आपका कस्टमाइज आंसर बन के निकलेगा, और आपको वो खुद पता चल जाएगा कि हाँ यार मुझे वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं। तो जो पोल मैंने आपको शुरू में जिक्र किया था, मैंने इंस्टाग्राम पे कंडक्ट किया था, उसमें मुझे काफ़ी सारी इस तरह की स्टेटमेंट्स आई थी जिनमें लोगों को डीमोटिवेशन का सामना करना पड़ा, तो मैं वो बाकी सारी स्टेटमेंट्स भी लेके उनके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा और अपनी सजेशंस अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप लोगों के भी कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं या कोई कमेंट्स हैं, तो या तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाएं मेरे, वहाँ पे मुझे फॉलो करें और मुझे डीएम करें, तो फिर उस सिचुएशन के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे और उस पर बात करेंगे। एंड में यही कहूँगा कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।